हेलो एवरीवन वेलकम टू द सॉल्यूशंस फॉर बी एंट्रेंस टेस्ट आई 2024, आई आर एट क्वेश्चन सिक्स नाउ क्वेश्चन सिक्स इज फॉर एनी रियल एक्स डिफाइन एफक्स द मिनिमम ऑफ ई टू द पावर एक्स एन ई टू द पावर माइनस एक्स राइट ये मुझे क्वेश्चन पढ़ के हंसी आ गया बिकॉज ये तो आप लोगों का क्लास 11 का ग्राफ का क्वेश्चन है राइट right? ये आपको लग सकता है ISI का एग्जाम है मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लीकेट होगा इसमें ऐसा कोई बात नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन है आपको बस ग्राफ ड्रॉ करना है आपको पता चल जाएगा राइट right? देखिए तो आप लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको e टू दी पावर x का ग्राफ एकदम पता है राइट right? ये ऐसा दिखता है राइट right? और e टू दाइनस एक्स का ग्राफ जस्ट उसका उल्टा होता है ऐसा दिखता है और ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे राइट right? ये दोनों अगर यहाँ पे मिल रहे हैं देन आप लोग देख सकते हैं कि इसका अगर आपने मिनिमम वैल्यू लिया तो ये वाला रीजन होगा राइट right? ये वाला रीजन होगा बट रीजन से यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है हमको देखना है फंक्शन दिखता कैसे है तो फंक्शन देखिए यहाँ पे इसको अगर हमने जूम किया राइट right? अगर आपने जूम करके इसको देखा तो ये फंक्शन देखिए ऐसे जाके फिर ऐसे हो रहा है ये right? ये e e टू टू पावर पावर x का आर्म था, ये e -x का आर्म आर्म था माइनस है तो यहां पे देखिए एक सुंदर सा कॉर्नर बन रहा है और आपको पता है कि अगर कॉर्नर बन रहा है इसका मतलब डिफेंसेबल नहीं होता डिफेंसेबल नहीं होता तो कौन से ऑप्शन में नॉन डिफेंसेबल है एक ही ऑप्शन में है राइट ऑप्शन बी राइट आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था आपको बस फंक्शन को डिटेल्स में देखना था एज सुन एज आपने इसको डिटेल्स में देख लिया सम इज डन राइट तो देखिए ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने ग्राफ से किया ये वाला क्वेश्चन भी ग्राफ से किया तो जो स्टूडेंट्स अभी क्लास इलेवन में है जो लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सा ये पैटर्न नोट करें बिकॉज ग्राफ्स का आइडिया होना आप लोगों को बहुत जरूरी है एटलीस्ट आपको अगर कोई फंक्शन दिया गया हुआ है वो कैसे दिखता है ये आपको जानना चाहिए राइट सो right प्लीज़ वर्क ऑन योर ग्राफ स्किल्स और अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए कैलकुलस में एल्जेब्रा में तो ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिएगा हम लोग कोर्सेस रन करते हैं आपको प्रिपेयर कर देंगे अगले साल के एग्जाम के लिए और अगर आपको कोई क्रैश कोर्स चाहिए रिसेंटली कुछ आने वाले एग्जाम्स के लिए देन उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं ओके okay? बहुत छोटा क्वेश्चन था जल्दी हो गया विल एंड दिस वीडियो हियर एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन